हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शीबा। आज मैं अपनी किचन में गाजर की बर्फी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए मैं किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गाजरें ली हैं। ये मेरी हाफ के जी गाजर हैं, हाफ किलोग्राम, जिनको कि मैंने अच्छे से वॉश करके इसको कस लिया है। और इसके साथ ही मुझे 1 लीटर मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैंने चीनी ली है, ये मैंने 1 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मावा है, ये मैंने 200 ग्राम्स लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है जिनको मैंने कट कर लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और दूध भी बॉईल होने लग गया है, बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है। और अब हम इसमें अपनी गाजर का ये कसा हुआ ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हम अब 4-5 मिनट इसको इसी कंडीशन में पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए ये बहुत फर्स्ट क्लास पक रही है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 20-25 मिनट्स तक इसको हम ऐसी सिम पर ही पकने देंगे। और बीच बीच में हम इसको देख लेंगे, चला देंगे इसको कि नीचे से लगने ना पाए। और इसको अब हमें कंटिन्यूसली इसको पकने देना है, बस बीच बीच में हमें इसे थोड़ा चेक करते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पक रही है हमारी ये। और अब हमें इसको इतना पकाना है कि इसका ये जितना भी लिक्विड है, ये दूध मिल्क, ये सारा एकदम रिड्यूस हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए। ये तब तक हमें इसे ऐसे ही पकाते रहना है। हमें पकाते हुए लगभग 1/2 आवर हो गया है, लेकिन इसे अभी हमें और कुक करना पड़ेगा जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और अब हम इसके अंदर ये अपना चीनी भी, यानी कि शुगर, ये भी हम ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरा ग्रीन कार्डमम, यानी कि छोटी इलायची, इसका पाउडर, ये भी मैंने डाल दिया है। इसे अभी हम पकने देंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम मैंने बिल्कुल फुल कर रखी है। अब हम इसमें थोड़ा देसी घी भी ऐड कर देंगे, यानी कि प्योर घी। और इसे अभी हमें और थोड़ी देर इसको और भूनना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेरा भून चुका है। और अब मैं इसमें अपना ये खोया, यानी कि मावा, इसमें डाल दूंगी। और ये अपना ड्राई फ्रूट, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और बस अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसकी फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो देखिए अब बर्फी हमारी बनने के लिए तैयार है। और अब मैंने इसमें ये मैंने सेट कर दी है। और ये मैंने बटर पेपर लगा रखा है इसमें, बटर पेपर लगा के, और उसके बाद फिर मैंने ये पूरा सेट कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर मावा डालेंगे, ये मावा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसको ऐसे पूरा डाल देंगे, इसके ऊपर क्रम्बल कर दिया है हमने इसको अच्छे से। और अब इसके ऊपर हम अपना ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। और इससे हम इसको प्रेस कर देंगे कि अच्छे से दब जाए ये अंदर। तो देखिए मैंने इसको सेट करके और इसको रेफ्रिजरेटर में मैंने रख दिया था 15-20 मिनट्स के लिए। और अब ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूंगी।
जितने भी साइज की हमें चाहिए, हम बर्फी का साइज जो भी रखना चाहें उस हिसाब से हम इसको कट कर सकते हैं। ये हमारी कट हो गई है और इसको अब हम उसमें टर्न कर देंगे दूसरी प्लेट में, बल्कि शिफ्ट कर देंगे इसको, हम इस तरह से उठा लेंगे क्योंकि हमने बटर पेपर लगा रखा है तो ये एज इट इज इसमें आ जाएगी और इस पर से हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं इजीली। ये इस तरह से हमारे पीसेस बर्फी की शेप में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने बाकी के भी पीसेस निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी बनके एकदम रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।